उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से वसीम टेक एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में कुछ पूछ दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन कमेंट्स में बहुत लोग कहा था सर इसको वीडियो बनाइए। सबका वीडियो मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे सबका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा दोस्तों जो हमारा स्प्लिट एसी जो वर्किंग करता है तो उसका देखिएगा सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में या दोनों में कभी कभी क्या बहुत सारा आइस आ जाता है या इवेपोरेटर कॉइल पे आइस आ जाता है, तो उसका क्या रीजन है? तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी टेक्नीशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको पता नहीं है कि रीजन क्यों, क्या आइस आने का क्या रीजन है, तो ये सब जानना है दोस्तों। ओके दोस्तों भाई हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए क्या दोस्तों रीजन आइस ऑफ डिस्चार्ज लाइन एंड बोथ पाइप। अगर हमारा दोनों लाइन में डिस्चार्ज लाइन में आइस आ रहा है या तो फिर दोनों पाइप में हमारा आइस आ रहा है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है? देखिए दोस्तों पहले सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्ज लाइन का। अगर आप डिस्चार्ज लाइन में अगर आपकी आइस आ रहा है, अगर आपको इंटरव्यू पूछता है कि अगर आप या तो आप कहीं टेक्नीशियन में कहीं काम कर रहे हैं और डिस्चार्ज लाइन में आइस आ रहा है तो आप क्या करेंगे जो डिस्चार्ज लाइन की आइस खत्म हो जाएगा, तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या है दोस्तों लो रेफ्रिजरेंट, यानी जो हमारा उसमें R22 जो गैस होता है, जो हमारा जो स्प्लिट एसी में R22 हो या R410A हो, तो ये जो गैस हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ये बहुत कम मात्रा में, जितना उसको हीट लोड की जो जरूरत है उतना वो नहीं है, यानी आप उसमें गैस चार्ज करें। ओके दोस्तों दूसरा क्या है ब्लॉक फिल्टर और कॉयल, माना हमारा जो फिल्टर जो है वो ब्लॉक हो चुका है, हमारा जो कॉयल है जो हमारा इवेपोरेटर कॉयल है या कंडेंसर कॉयल है वो ब्लॉक हो जाने से भी क्या होगा हमारा जो है आइस बनेगा सक्शन ये डिस्चार्ज लाइन में जो हमारा आइस बनेगा। ओके दोस्तों तो ये चीज़ को ध्यान देना है, तो इसको आपको फिल्टर क्लीन करना है, कॉयल को क्लीन करना है। ओके दोस्तों तीसरा नंबर क्या है फॉल्टी एक्सपेंशन वाल्व। अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, रेस्ट्रिकेशन हो जाए, लाइन में कहीं से आपका जो रेफ्रिजरेंट सही से सप्लाई नहीं होगा, हमारा ब्लॉक जो हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेंट लाइन को अगर ब्लॉक कर देता है जाने से, तो हमारा क्या होगा एक्सपेंशन वाल्व अगर कहीं से फॉल्टी भी होगा तो हमारे डिस्चार्ज लाइन में आइस आएगा। चौथा क्या दोस्तों लो एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर बाहर की एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत कम है और हमने अपना एसी चालू करके रखा है और कंटिन्यूस वो चल रहा है, तो हमारा लो एम्बिएंट टेम्परेचर अगर कम है उससे ज्यादा सेटिंग करके अपना एसी हम चला रहे हैं तो हमारा लो एम्बिएंट टेम्परेचर के कारण क्या है हमारा आइस बनेगा। ओके दोस्तों पांचवा क्या है इनएडुकेट इंसुलेशन। अगर आप जो हमारा डिस्चार्ज लाइन का सही से अगर इंसुलेशन सही से नहीं करेंगे और जितने उसके पर्याप्त मात्रा होने चाहिए नहीं करेंगे तो उसे हीट एक्सचेंज क्या होगा वो अपने सही से लिक्विड सही से फॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है पूरी वो आइस बनेगा। ओके दोस्तों अब देखते हैं हम बोथ पाइप डिस्चार्ज एंड सक्शन पाइप। अगर दोनों एक साथ आता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सक्शन लाइन में आइस क्यों आता है इसके बारे में भी थोड़ा बोल देता हूँ, लेकिन हमारे एक स्पेशल वीडियो इसमें बनाया हुआ है व्हाट इज द रीजन ऑफ सक्शन लाइन इन आइस। ठीक है दोस्तों तो सक्शन लाइन में क्यों आइस आता है मैं इसके लिए वीडियो बना डाल चुका हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों अगर दोनों पाइप में आ रहा है तो आप सबसे पहले देखें क्या हमारा सिस्टम जो है कंटिन्यू रनिंग हो रहा है, यानी हमारा सिस्टम जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, हमारा सिस्टम जो रुक ही नहीं रहा है, सिस्टम मेरा मतलब जो हमारा कंप्रेसर कटअप होना चाहिए वो कटअप नहीं हो रहा है, कुछ तो कुछ रीजन है। अब उसमें क्या क्या चेक करेंगे आइए बताते हैं। ओके दोस्तों सबसे पहले क्या है दोस्तों सेंसर प्रॉब्लम। अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर जो हमारा इंडोर में लगा होता है अगर वो हमारा सेंस नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर सेंस नहीं कर पा रहा है तो हमारा क्या कंटिन्यूसली सिस्टम चलेगा, और कंटिन्यूसली सिस्टम चलेगा तो हमारा दोनों पाइप में सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में दोनों में आइस आएगा। ओके दोस्तों तो ये चीज आपको चेक करना है। दूसरा क्या चेक करना है लो टेम्परेचर सेटिंग। अब लो टेम्परेचर सेटिंग रूम बड़ा है, अब कोई 16 पे सेटिंग करके रखा है, 17 पे सेट करके रखा है, कंटिन्यूसली हमारा सिस्टम चल रहा है, तो आपको इसे चेक करना है कि सिस्टम मेरा तो कहीं सेटिंग 16-17 पे तो और कंटिन्यूसली मेरा सिस्टम तो नहीं चल रहा है, दैट इज द रीजन ये हमारा दोनों पाइप में हमारा जो दोनों डिस्चार्ज और सक्शन लाइन में भी आसानी का रीजन बन सकता है। अब दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्या है देखिए एक्सेस हीट लोड। एक्सेस हीट लोड का मतलब आप यहाँ क्या समझ रहे हैं कि मान के चलिए हमारा रूम जो हमारा रूम है रूम में कहीं ना कहीं हमारा कंटिन्यूसली हमारा रूम जो एसी चल रहा है और कहीं खिड़की या दरवाजा खुला हुआ जिसकी वजह से बाहर की गर्म हवा को अंदर आ रहा है, जिससे वजह से हमारा मशीन जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, तो चलने के जो कंटिन्यूसली चल रहा है तो मेन रीजन क्या है कंटिन्यूसली चलने पर वो हमारा आ रहा है। अभी दोस्तों दूसरा पांचवा क्या हो सकता है दोस्तों पीसीबी रिले स्टक, यानी हमारा जो इंडोर में जो हमारा पावर जो सप्लाई आउटडोर जाता है तो क्या होता है कभी कभी जो हमारा इंडोर में जो
लगा होता है, पीसीबी में एक रिले लगा होता है। रिले क्या होता है दोस्तों, ये हमारा कभी कभी जो दबा होता है वो दबा ही रह जाता है, मतलब जब रिले हमारा पुश होता है तो ये पावर का आउटडोर में जाता है। तो आउटडोर जो हमारा कंप्रेसर जब चलता है तो ये हमारा क्या है, कभी कभी स्टक हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है, तो ये पुश होता है तो वो पुश ही रह जाता है, जिसकी वजह से हीट अप होने की वजह से वो पुश रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा मशीन जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा आइस आता है। ओके दोस्तों, तो ये सब छोटी छोटी सी जो जानकारी है, ये जानकारी रखना है, ये सब इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया जाता है कि क्या है क्यों है, इसलिए आप लोग को जानकारी रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो में। अगर किसी तरह को आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो